हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर की फिफ्थ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके के वो भी देख सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट फॉर द ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है, हमें इसका स्विचिंग सर्किट क्रिएट करना है। ओके, सो सबसे पहले जो वेरिएबल दिख रहे हैं हमें स्टेटमेंट पैटर्न के, इनके लिए हम एक स्विच कंसिडर करेंगे। सॉल्यूशन, लेट पी फॉर स्विच एस वन इज क्लोज्ड, क्यू फॉर स्विच एस टू इज क्लोज्ड, देन निगेशन पी फॉर एस वन डैश इज क्लोज्ड, एंड निगेशन आर के लिए हम लेंगे निगेशन आर फॉर स्विच एस थ्री डैश इज क्लोज्ड। ओके, अब यहाँ पे हमें इनके लिए स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है, स्विचिंग सर्किट सॉरी। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है और ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है, के सर्किट है, ठीक है। ये दोनों सर्किट के बीच में क्या डिसजंक्शन है, मतलब कि ये दोनों सर्किट एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। तो पहले तो हम ये दोनों के लिए पैरेलल फॉर्म बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब पहले क्या है, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, यानी कि निगेशन पी के लिए एस वन डैश और क्यू के लिए एस टू, ये दोनों क्या है, कंजंक्शन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, तो हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये पहला स्विच, दूसरा स्विच, ठीक है, निगेशन पी के लिए एस वन डैश और क्यू के लिए एस टू, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है पी एंड निगेशन आर, तो पी के लिए एस वन और निगेशन आर के लिए एस थ्री डैश, ठीक है, कंजंक्शन है, मतलब कि वो दोनों भी सीरीज में होंगे, तो उन्हें भी सीरीज में हम ड्रॉ करेंगे। एस वन एंड एस थ्री डैश। ओके, ये हमारा सर्किट बन गया है, अब इसे कंप्लीट कर दे रहे हैं। बैटरी लैम्प, ठीक है, ध्यान में रखना, जब भी सर्किट बनाएंगे उसके साथ में बैटरी और लैम्प ज़रूर ऐड करना, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स कट सकती है आपके। देन इस तरह से सर्किट हमें ड्रॉ करना था। देन नेक्स्ट सेकंड, पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन आर, ठीक है, इसका हमें स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सभी के लिए एक एक स्विच कंसिडर करेंगे हम। लेट फॉर पी इज इक्वल पी फॉर स्विच एस वन इज क्लोज्ड, क्यू है क्यू के लिए स्विच एस टू इज क्लोज्ड, आर के लिए स्विच एस थ्री इज क्लोज्ड, निगेशन पी भी है और निगेशन क्यू भी है, ठीक है, तो उनके लिए हम लेंगे निगेशन पी निगेशन क्यू, स्विच एस वन डैश इज क्लोज्ड एंड
switch S2 dash is closed. ओके okay? अब हमें इसका सर्किट ड्रॉ करना है. सो सबसे पहले दो सर्किट दिख रहे हैं हमें, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है और ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है. ठीक है, ये दोनों के बीच में डिसजंक्शन है, यानी कि अगर हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन किस में आएंगे, पैरेलल फॉर्म में आएंगे, क्योंकि क्योंकि ये दोनों के बीच में डिसजंक्शन है. ठीक है, तो हम पहले एक पैरेलल फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट के लिए. ठीक है, अब ऊपर के लिए क्या है, यहाँ पे पी कंजंक्शन क्यू, यानी कि पी और क्यू यानी स्विच S1 और S2 बीच में कंजंक्शन यानी कि सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है. ओके, तो हम सीरीज फॉर्म में बना देंगे दोनों स्विचेस को. ये S1 एंड S2. ओके, फिर उसके बाद में डिसजंक्शन में पी है. अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट, अब ये सेकंड जो पार्ट है. ठीक है हमारा, अब इसके अंदर भी देखो नीचे जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ पे क्या है, स्विच पी है, निगेशन पी है, और ये तीनों स्विच है. ठीक है, ये स्विच और ये दोनों, ये तीनों स्विच के बीच में क्या है, कंजंक्शन है. ओके, तो यानी कि ये दोनों, ये स्विच निगेशन पी और ये बाकी के तीन स्विच सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो पहले हम इनके लिए बनाएंगे. पहले तो हम ये निगेशन पी का स्विच बनाएंगे. ठीक है, सो निगेशन पी, निगेशन पी के लिए S1 डैश हम लेंगे. अब सीरीज में उसके साथ जो है S1 के साथ में सीरीज में ये तीनों है. ठीक है, बट ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल डिसजंक्शन से कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल फॉर्म में, तो इनको हम पैरेलल फॉर्म में बनाएंगे तीन सर्किट. ठीक है, ये तीन पैरेलल होंगे लेकिन वो निगेशन पी के साथ सीरीज फॉर्म में होंगे. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें तीन पैरेलल स्विचेस ड्रॉ करना है. ओके, पहला दूसरा तीसरा. ठीक है, तो इनके नाम अगर देखें हम, पहला है निगेशन क्यू, निगेशन क्यू के लिए S2 डैश. ठीक है, दूसरा है P, P के लिए S1 और लास्ट वाला R यानी कि S3. ठीक है, तो इस तरह से हमारा सर्किट क्रिएट हो जाएगा. लास्ट में हम यहाँ पे एक लैम्प और एक बैटरी ऐड कर देंगे जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट थर्ड, पी कंजंक्शन आर, डिसजंक्शन निगेशन क्यू, कंजंक्शन निगेशन आर, कंजंक्शन निगेशन पी, कंजंक्शन निगेशन आर. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये सबके लिए एक एक स्विचेस स्विच कंसिडर कर लेंगे. सॉल्यूशन, लेट पी फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यू फॉर स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड R फॉर स्विच S3 इज क्लोज्ड. देन निगेशन P है, तो निगेशन P के लिए स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड. निगेशन Q भी है, तो उसके लिए हम लेंगे स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड. देन निगेशन R भी है, तो उनके लिए हम लेंगे स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड. ओके, अब यहाँ पे तो पूरे सर्किट में कितने पार्ट हैं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और जैसे तीन पार्ट के सर्किट है. ठीक है, पहले तो ये दोनों पार्ट, ठीक है, ये दोनों पार्ट इस पार्ट के साथ में किस फॉर्म में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में. ठीक है, ये पार्ट और ये दोनों पार्ट किस फॉर्म में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पहले हम इनका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे. ओके,
पहले अगर हम पहले ये पार्ट ड्रॉ कर देंगे तो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन से कनेक्टेड है तो ये सीरीज में बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट देखो, पी एंड आर, डिसजंक्शन निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, ठीक है। अब ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। ये दोनों पार्ट डिसजंक्शन से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसके अंदर दो स्विच है, इसके अंदर दो स्विच है, ठीक है। तो उनके लिए एक पैरेलल फॉर्म ड्रॉ करेंगे हम। ये दो स्विच हमने सीरीज में बनाए हैं और ये दो स्विच हमने सीरीज में बनाए हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और इनके अंदर कंजंक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में और ये दोनों एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पी कंजंक्शन आर, ठीक है। सो पी के लिए S1, कंजंक्शन के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन और आर के लिए S3। फिर ये दोनों सीरीज में निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, यानी कि S2 एंड S3। ओके, अब ये इतना पूरा सर्किट ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो इस पूरे पार्ट से सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम इसे आगे बढ़ के सीरीज कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, ओके। तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। ये दोनों कंजंक्शन में, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए हमने दोनों को सीरीज को दोनों ही स्विचेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इनके नाम दे देंगे निगेशन पी एंड निगेशन आर, ठीक है। तो निगेशन पी के लिए S1 और निगेशन आर के लिए S3, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे स्विचिंग सर्किट क्रिएट हो गया है। अब इसे हम एक लैम्प और एक बैटरी ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा स्विच कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर, डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर, ओके। पहले इन सब के लिए हम एक स्विच कंसिडर करते हैं। सॉल्यूशन, पी फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यू फॉर स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड आर फॉर स्विच S3 इज क्लोज्ड, ओके। उसके बाद में निगेशन क्यू एंड निगेशन आ रहे हैं, तो निगेशन क्यू के लिए हम लेंगे स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड निगेशन आर के लिए हम लेंगे स्विच S3 इज क्लोज्ड, ओके। अब इस ये सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, दो पार्ट हमें दिख रहे हैं। ये एक पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये दोनों पार्ट के बीच में डिसजंक्शन है, जो कि इसका मतलब है कि ये दोनों पार्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनका हम पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊपर की तरफ ये तीन स्विचेस है, ठीक है, पी निगेशन क्यू एंड आर, और ये तीनों भी कंजंक्शन से कनेक्टेड है, यानी कि ये तीनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो हम इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ड्रॉ करेंगे, तीन स्विचेस बनाएंगे उनके लिए। एक, ये दूसरा और ये तीसरा। पी के लिए S1, निगेशन क्यू के लिए S2 और आर के लिए S3, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में स्विच पी के लिए S1 स्विच है और ये दोनों स्विच सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उसके बाद में ये दोनों स्विच
पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सो पहले एक स्विच ड्रॉ करेंगे हम, ये जो स्विच है पी स्विच है यानी कि S1। अब इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में दो स्विच है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो उनके लिए हम यहाँ पे दो पैरेलल स्विच ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इनके नाम है निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, यानी कि S2 एंड S3, ठीक है। तो इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक लैम्प ऐड कर देंगे और एक बैटरी। ओके, द नेक्स्ट फिफ्थ वन। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल दिख रहा है, ये एक दो तीन, ये तीन सिंगल स्विच है, तीनों भी डिसजंक्शन से कनेक्टेड है, यानी कि तीनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, और उसी के साथ में चौथा भी डिसजंक्शन के साथ में कनेक्टेड है, जो भी ये तीनों के साथ में पैरेलल फॉर्म में, और उसके अंदर जो दो स्विचेस है वो दोनों सीरीज फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके लिए स्विचेस कंसिडर करते हैं। P फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q फॉर स्विच S2 इज क्लोज्ड, एंड निगेशन P फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, निगेशन Q फॉर स्विच S2 इज क्लोज्ड। ओके, अब इनका सर्किट ड्रॉ करेंगे हम। सो ये तीनों सर्किट और लास्ट वाला जो सर्किट है, ठीक है, चारों भी पकड़ लो, एक दूसरे से क्या है, डिसजंक्शन से कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल है, ठीक है। तो हम इनका पैरेलल ड्रॉ करेंगे। दो हो गए, तीन सर्किट, ठीक है। क्या है, पहला पी, पी के लिए हम S1 लेंगे, निगेशन पी के लिए हम S1 लेंगे, और निगेशन क्यू के लिए हम S2 लेंगे, ठीक है। अब इन्हीं के साथ में पैरेलली कनेक्टेड है पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है। तो यहीं पे ड्रॉ कर लो, बस इसके अंदर दो स्विचेस आएंगे क्योंकि पी कंजंक्शन क्यू दो स्विच है और दोनों के बीच में कंजंक्शन है, मतलब कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पहला दूसरा स्विच, ठीक है। पी के लिए S1, क्यू के लिए S2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे अभी लैम्प और एक बैटरी ऐड कर देंगे जिससे स्विच और भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा स्विचिंग सर्किट है फिफ्थ वाला। देन नेक्स्ट सिक्स्थ वन, पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन पी, डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। सो सॉल्यूशन, यहाँ पे हम सभी के लिए एक एक स्विच कंसीडर करेंगे। पी फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यू फॉर स्विच S2 इज क्लोज्ड, एंड निगेशन पी फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, निगेशन क्यू फॉर स्विच S2 इज क्लोज्ड। ओके, जितने भी हम सिंबॉलिक फॉर्म थे हम सभी के लिए एक एक स्विच हमने कंसिडर करके किया है। अब हम यहाँ पे इनका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और एक ये पार्ट है, ठीक है। ऐसे तीन पार्ट है, तीनों भी डिसजंक्शन से कनेक्टेड है, यानी कि तीनों भी पैरेलल फॉर्म में है, ठीक है। तो हम ये तीनों का पहले पैरेलल फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। सो
तीन चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे ऊपर है पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है। पी और क्यू बी के बीच में कंजंक्शन है, मतलब कि ये दोनों क्या है, सीरीज फॉर्म में है। तो ऊपर दो हम सीरीज फॉर्म में सर्किट ड्रॉ कर लेंगे स्विच। तो ये दो स्विच हो गए, ठीक है, पी के लिए S1, क्यू के लिए S2। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे निकेशन क्यू अकेला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्विच ड्रॉ करेंगे निकेशन पी के लिए, तो S1 डैश आ जाएगा, ओके। फिर लास्ट वाले में दो स्विच है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीरीज फॉर्म में दो स्विचेस ड्रॉ करेंगे। तो पी एंड निगेशन क्यू, पी के लिए S1 और निगेशन क्यू के लिए S2 डैश, ओके। सो ये हमारा यहाँ पे सर्किट बन गया है। अब इसे हम एक लैम्प ऐड कर देंगे और एक बैटरी। सो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। देन थर्ड क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। सो यहाँ पे हमें सर्किट गिवन है, हमें इसे सिंप्लीफाई करके छोटा सर्किट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे तीन स्विचेस है तो हमें स्विचेस को हमें कम करना है, ठीक है। तो सबसे उसके लिए हमें पहले तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हमें वेरिएबल का यूज़ करना होगा, ओके। सो सॉल्यूशन, लेट पी फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, क्यू फॉर स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड निगेशन पी फॉर स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, ओके। सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज सो क्या है, सबसे पहले स्विच S1 है तो S1 के लिए P, आगे सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन तो कंजंक्शन, फिर सीरीज में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, S2 डैश और S1 डैश और S2। तो S1 डैश के लिए निगेशन P, पैरेलल के लिए डिसजंक्शन, S2 के लिए Q, ठीक है। ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है। अब हमें इसे और सिंपली अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नाउ पी कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंस टू, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हमारे पास ये सब लॉज है, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए सॉरी सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे हम ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू, ओके, पी कंजंक्शन निगेशन पी। सो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। देन सो अब यहाँ पे पी कंजंक्शन निगेशन पी है, ठीक है। सो पी कंजंक्शन निगेशन पी इज इक्विवेलेंस टू एफ होता है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्विवेलेंस टू एफ डिसजंक्शन क्यू बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, सो दैट इज इक्विवेलेंस टू एफ डिसजंक्शन क्यू। सो एफ के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है पी डिसजंक्शन एफ इज इक्विवेलेंस टू पी होता है, ठीक है। पहले एफ लिखो या पहले पी लिखो, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एफ डिसजंक्शन
जंक्शन की सर्किट है जो के इक्विवेलेंस है सिर्फ क्यू के, तब इसका हम सर्किट क्रिएट करेंगे। नाउ सिंप्लीफाई सर्किट इज, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच है क्यू, क्यू यानी कि एस टू, बस ड्रॉ कर देंगे हम। क्यू के लिए एस टू, सो विच इज अवर सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट। देन नेक्स्ट सेकंड सॉल्यूशन, इसके लिए भी पहले हमें सब सिंबॉलिक सिंबल सॉरी वेरिएबल यूज करना होगा। पी स्विच एस वन इज क्लोज्ड, क्यू फॉर स्विच एस टू इज क्लोज्ड, एंड आर फॉर स्विच एस थ्री इज क्लोज्ड, एंड निगेशन क्यू फॉर एस टू डैश इज क्लोज्ड, एंड निगेशन आर फॉर एस थ्री डैश इज क्लोज्ड। ओके नाउ सिंबॉलिक फॉर्म, सो क्या है स्विच एस वन है, ठीक है। सबसे पहले सो एस वन के लिए पी सीरीज फॉर्म में, तो कंजंक्शन यूज करेंगे हम। अब ये दोनों डिसजंक्शन फॉर्म में, ठीक है, यानी कि पैरेलल फॉर्म में, तो इनके बीच में हम डिसजंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, एस टू और एस थ्री के लिए, ठीक है। एस टू के लिए क्यू और एस थ्री के लिए आर, पैरेलल के लिए डिसजंक्शन। ओके अब ये सर्किट नीचे वालों के साथ में पैरेलल फॉर्म में है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिसजंक्शन और एस वन डैश है, ठीक, एस थ्री डैश, एस टू डैश और एस वन है, ठीक है, वो तीनों भी सीरीज में है। तो एस थ्री डैश के लिए निगेशन आर, सीरीज के लिए कंजंक्शन, एस टू डैश के लिए निगेशन क्यू और सीरीज फिर एस वन के लिए पी, ठीक है। चाहे तो हम इसे ब्रैकेट भी दे सकते हैं। ओके सो अब हम इसका इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू यहां पे, ठीक है, हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर डिसजंक्शन, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ आर डिसजंक्शन क्यू, ओके कंजंक्शन पी बाय डी मॉर्गन्स लॉ, देन दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन। अब हम ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। तो हम ये ले लेंगे क्यू डिसजंक्शन आर कंजंक्शन निगेशन ऑफ आर डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी, ठीक है। हमने ये जो ब्रैकेट थे उसको हटा के ये दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया है, ठीक है, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब यहाँ पे क्या है, क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन ऑफ निगेशन आर कंजंक्शन क्यू। हम यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे क्यू कंजंक्शन आर होता था तो हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इन्हें चेंज कर देंगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ओके सो पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर डिसजंक
निगेशन ऑफ, इसे हम इंटरचेंज कर देंगे, क्यू डिसजंक्शन आर कंजंक्शन पी बाय कॉमिटेटिव लॉ, ठीक है। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन। अब ये क्या है, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, एक सिंपल है और दूसरा निगेशन लगा हुआ है विद विद द हेल्प ऑफ डिसजंक्शन। ओके, सो हमारे पास इसके लिए भी एक लॉ है, पी डिसजंक्शन निगेशन पी दैट इज इक्विवेलेंस टू टी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, तो हम यहाँ पे इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें पी की जगह पे क्या है, क्यू डिसजंक्शन आर, तो इसकी वैल्यू, इसकी टोटल वैल्यू हो जाएंगी सिर्फ टी कंजंक्शन पी बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब पी कंजंक्शन पी, सॉरी पी कंजंक्शन टी, सो पी कंजंक्शन टी दैट इज इक्विवेलेंस टू पी बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं सिर्फ पी आगे कंजंक्शन पी बाय आइडेंटिटी लॉ। सो पी कंजंक्शन पी, हमें पता है पी कंजंक्शन पी पी होता है बाय यूजिंग फर्स्ट वन एडम पोटेंट लॉ, ठीक है, पी कंजंक्शन पी इज इक्विवेलेंस टू पी, तो हम यहाँ पे सिर्फ पी लिख सकते हैं, ठीक है, बाय एडम पोटेंट लॉ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा सिंबॉलिक फॉर्म था वो सिंप्लीफाई होकर सिर्फ एक स्टेटमेंट पी में बचा है। अब हम इसका सर्किट बनाएंगे। नाउ सिंप्लीफाइड सर्किट इज, सो क्या है, सिर्फ एक ही स्विच बनेगा, स्विच एस वन फॉर पी, यहाँ पे एक लैंप और एक बैटरी, ओके, स्विच एस वन, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड स्विच। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप अभी तक यहाँ, अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।